सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए ग्रेट न्यूज लेकर आया हूं कि किस तरीके से आप 0 सब्सक्राइबर पर अपने चैनल की कम्युनिटी टैब को अनेबल कर सकते हो। ये दोस्तों, अगर आपको मेरी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा तो इस साइट पे आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो। इस भाई के चैनल पे कितने सब्सक्राइबर है, 339 यानी 339 सब्सक्राइबर। लेकिन इस भाई के चैनल पे आप लोग देखोगे कम्युनिटी टैब अनेबल हो चुका है। और दोस्तों, ये एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे चैनल है जिस पे 10 15 20 50 ऐसे करके सब्सक्राइबर है लेकिन उसका कम्युनिटी टैब अनेबल हो चुका है। तो अगर आपके चैनल पे 500 सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं हुआ है और अगर आप 10 20 50 सब्सक्राइबर पे अपने चैनल पे कम्युनिटी टैब को अनेबल करना चाहते हो तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम A to Z प्रोसेस शेयर करने वाले हैं किस तरीके से आपको क्या क्या करना है ताकि अपने चैनल पे कम्युनिटी टैब अनेबल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के साथ लंबा ना करते वीडियो इसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपके चैनल पे 500 सब्सक्राइब कंप्लीट नहीं हुआ है तो सबसे पहले जो क्राइटेरिया था यूट्यूब का कि अगर आप जब आपके चैनल पे 500 सब्सक्राइब कंप्लीट होता है तभी आप अपने चैनल पे कम्युनिटी टैब को अनेबल कर सकते थे। लेकिन यूट्यूब ट्रायल कर रहा है कि यूट्यूब नया फीचर्स जब भी लॉन्च करता है अपनी बीटा वर्जन पे उस पे पहले ट्रायल करता है, कुछ चैनल पे उस फीचर्स को अनेबल करते हैं और देखते हैं किस तरीके से काम कर रहा है। तो इसी के कारण कुछ चैनल पे ये जो फीचर्स है अनेबल हो गया है। तो आपको किस तरीके से इसके फीचर्स का लाभ उठाना है वो ही आज की इस वीडियो में शेयर करने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपनी YouTube एप्लीकेशन को ओपन करना है। उसके बाद आपको राइट साइड पर अपने चैनल का लोगो दिखाई देगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है। यानी कि जिस चैनल पर आपको कम्युनिटी टैब को अनेबल करना है उस चैनल को आपको ओपन करना है। उसके बाद आपको एकदम से नीचे एक ऑप्शन मिलता है हेल्प एंड फीडबैक का, तो उस पर आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है सेंड फीडबैक, तो उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन मिल जाता है। उस पर आपको एक ईमेल यानी कि उस पर आपको एक मैसेज टाइप करना है। तो इस मैसेज को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे दिया है। तो आप अभी तक मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे आगे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लेना और मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, ताकि अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे इंस्टा पे डायरेक्ट डीएम करना। तो उस ये इस मैसेज को आपको इस जगह पे एंटर करने के बाद आपको सिंपली सेंड कर देना है। उसके बाद आपको कुछ दिन तक वेट करना है। वेट करने के बाद आप लोग देखोगे अपने चैनल पे कम्युनिटी टैब अनेबल हो जाता है। और दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये YouTube का एक ट्रायल पीरियड चल रहा है अपने नए फीचर्स को लॉन्च करने के लिए। तो हो सकता है आपको कुछ दिन में मिल जाए, हो सकता है कुछ दिन बाद मिले, और हो सकता है आपको कुछ भी ना करना पड़े आपके चैनल पे कम्युनिटी टैब अनेबल हो जाए। तो बस दोस्तों, आपको 0 सब्सक्राइबर कम्युनिटी टैब मिलने वाला है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपने चैनल पे कुछ वीडियोस को अपलोड करना होगा, 3-4 ऐसे वीडियोस को अपलोड करना है। उसके बाद अपने चैनल पे 10-20 सब्सक्राइबर को गेन कर लेना है। उसके बाद आप देखोगे कि ऑटोमेटिकली अपने चैनल पे कम्युनिटी टैब अनेबल हो जाता है। अगर नहीं होता तो मैंने जो प्रोसेस बताया वो आपको करना है, उसके बाद आपका चैनल पे कम्युनिटी टैब अनेबल हो जाएगा। तो बस दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहे।